हाय गए माय नेम इज जानो जिंदल वेलकम टू माय चैनल आज का वीडियो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर आरबीआई 2023 स्टूडेंट्स और ये इम्पोर्टेंट क्यों है बिकॉज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एम्पावर यू आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग दैट इज गोइंग टू चेंज द वे यू प्रिपेयर एंड स्टडी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वट इज दिस चेंज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट वट इज दिस एम्पावरमेंट दैट आई एम टॉकिंगउट दीज आर नॉट जस्ट वर्ड आई एम यूजिंग टू कैच यू और टू अट्रैक्ट यू आई एम टू एक्सप्लेन टू यू द नेक्स्ट टेन मिनट किस तरह से मैं आपको एम्पावर करने वाला हूं थ्रू दिस सेशन थ्रू दिस टेक्निक। आई एम एज्यूमिंग दैटरिंग फॉर आरबीआई ट्वेंटी थ्री इवन इफ आर नॉट दिस वीडियो इज टू हेल्प यू गिवन दैट यूर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन द फ्यूचर नो वट एग्जैक्टली है रियालिटी इज कि हम लोग एज एस्पर एज स्टूडेंट वी प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बट वी डू नॉट पे हीड वट इज गिवन टू अस हमें दिया क्या जाता है द सिलेबस हमें सिलेबस दिया जाता है हर एग्जाम में हर बॉडी हमें विद द आइडिया विदिलीफ दैटेंड टाइम ऑन दैट सिलेबसटैंड थ्रू दैट सिलेबस वीट टू यूज दैट सिलेबस इन आर प्रिपरेशन टू बीट दिन बट बिलीव मी और आपको भी पता है ये चीज नाइन नाइन परसेंट ऑफ आस डू नॉट यूज दिस सिलेबस हम लोग पहले दिन जोश जोश में सिलेबस को देखते हैं फिर एक आध महीने बाद फिर से उठाते हैं वी पेस्ट इट ऑन आवर वॉल्स बट देन वी फोगेट अबाउट इट दैट्स इट इट्स जस्ट अ सिंबल अक थिंग दैट वी डू इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई आर सेल्व सिलेबस मैंने तो देख लिया है बट वी डोंट रिमेंबर इट वी डोंट मेमोराइज इट वी डोंट यूज इट इन आर प्रेप आज जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज सिलेबस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इससे आपकी 50 टू 60 परसेंट प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग विद योर प्रिपरेशन बाय डूइंग दिस और कुछ भी नहीं कर रहे टू डू so exactly आपको करना क्या है आई uh, का नोटिफिकेशन है सिलेबस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज तो सिलेबस में एक्सैक्टली exactly दिया क्या है इफ यू पिकअप So phase 2 of the examination there are three papers economic and social issues there is finance and then there is management if we start with economic and social issues the first word here is growth and development now what do we normally do we just go through the syllabus growth and development measurement of growth national income and per capita income poverty alleviation employment generation karke we just go through the entire syllabus and that's it वी प्रॉबली रेफर टू इट वेन वी स्टार्टिंग हम जब बुक्स उठा रहे हैं वो सब चीजें हम करते हैं बट दैट ऑल्सो हैपन्स रेयरली अब आपको करना क्या है वॉट डू यू हैव टू डू द फर्स्ट टर्म हेयर इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो आपको बस गूगल करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत सारे आपको मिलने शुरू हो गए लिंक्स जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है सो so,

एम एस डी मैनुअल्स ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट या यूजफुल नहीं लग रही पीडियाट्रिक्स की है आई डोंट थिंक इट इज यूजफुल बाई जूज यू कैन कम बैक टू इट लेटर ऑल्सो इन्फॉर्मेशन ठीक होती है बट लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट तो थोड़ी सी जो रिलायबल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए स्लाइड शेयर विकी एजुकेटर सी ओ सी अब हमें देखिए यहां पर ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है तो वट विल वी विल डू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को फर्दर डिवाइड कर देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ ज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स तो हमने डिवाइड कर दिया आर वर्ड इन डेटा ये कुछ रिलायबल सा लग रहा है इन विस्टोपीडिया विकीपीडिया विकीपीडिया इज द मोस्ट रिलायबल एंडफुल अगर आपको विकी पेज मिलता है नथिंग बेटर अब विकी पेज आपको मिल गया यू हैव टू स्पेंड एन एंटायर डे ऑन रीडिंग थ्रू दिस विकी पेज इससे आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे यू जस्ट नीड ए प्रेलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग Of economic growth. आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर रहे हो यूर नॉट गोइंग डेप्थ करोगे बट आई वांट यू टू हैव एन ब्रीफ आइडिया गुड आइडिया गुड क्लैरिटी कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ में पढ़ने क्या वाले हो ओके बिफोर एक्चुअली गोइंग टू द बुक्स एंड स्टार्टिंग इट विकी काफी लंबा मिला है आई डोट थिंक वी नीड टू कवर एनी एल्स यहां पर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी अलॉफ़ थिंग्स यू माइट नॉट अंडरस्टैंड ऑल्सो

Uh, एक दिन आधा दिन वट एवर टाइम इट टेक्स इट डजेंट मैटर बहुत ज्यादा टाइम अपने आप भी लगेगा नहीं ये छोटा पेज है देखिए इसको पढ़ने में आपको दो तीन घंटे लगेंगे नॉट मोर देन दैट सो यू हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाउ ओके सिमिलरली यू मेजर यू गो थ्रू ऑल दी टर्म्स हेर मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ वेन यूर रीडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑलरेडी पढ़ लो बट एनी यू कैन गूगल मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ सेपरेटली एंगे यू सी पॉर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया नॉ दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट पॉवर्टी एलिशन इज वन एंड एम्प्लॉयमेंट इज वन तो मैंने खाली पॉवर्टी एलिविएशन गूगल किया पॉवर्टी रिडक्शन एंड एलिशन इज द सेम थिंग विकी पेज आ गया वंडरफुल इट्स अ लॉन्ग विकी पेज एक दिन हो सकता है लग जाए आपको बट यूल गेट अ गुड आइडिया अबाउट पावर्टी एलिविएशन मजा आएगा आपको पढ़ने में सिमिलरली यू कैन जस्ट गूगल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया ऐसे दिस वे यू हैव टू गूगल द एंटायर सिलेबस जब तक आप ये गूगल करते रहोगे ना बाई दाइम यू डन विद गूगलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दर सिलेबस आपका एक तो सिलेबस मेमोराइज हो गया नॉ यू विल नॉट फोरगेट योर सिलेबस इन दर लाइफ टाइम आज नहीं दो साल बाद नहीं पूरी लाइफ नहीं भूलोगे सिलेबस नंबर वन सेकेंडली जो आपने पढ़ा है दैट इज सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ वॉर्ट टू स्टडी वेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे सिक्सटी सेवेंटी परसेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अननोविंगली मजाक मजाक में आपने पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर कर लिया थोड़ी ही चीजें बचेंगी आपकी ओके यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स साइमल्टेनियसली अब नोट्स का मतलब ये नहीं है लिखने बैठ जाओ नोट्स का मतलब ये है दैट यू यूज वट एवर इज मैंशनड है जो भी आपको अच्छा लग रहा है एक ऑनलाइन नोट मेकिंग ऐप में डाल लिया फॉर एग्जाम्पल एवर नोट वन नोट ऐसा कुछ साइड में खोल के रख लिया एंड एवरी टर्म कैन हैव हैव कैन अ डिफरेंट पेज इकोनॉमिक ग्रोथ डिफरेंट पेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफरेंट पेज पावर्टी रिडक्शन सेपरेट पेज ऐसे करके यू कैन हैव 15, 20, 30, 40 पेजेस फॉर एवरी सब्जेक्ट बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में रिविजन करने में और एग्जाम को क्रैक करने में इट बी अ केक वॉक फॉर यू ओके ऐसे ही द सेम वे वी कैन गो थ्रू फाइनेंस ऑल्सो लेट्स ए फाइनेंस हमने खोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सो आपने बस गूगल किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब आपको आरबीआई की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है दैट इज नोट बी द फर्स्ट वन बट दर इज अ विकी पेज अबाउट इट वट एल्स डू यू नीड इसमें मेजोरिटी चीजें हैं कितना लंबा विकी पेज है विल टेक टू थ्री डेज बट बाई दीज टू थ्री डेज यू वुड हैव वंडरफुल आइडिया अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको एक अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में एंड वेन यू एक्चुअली स्टार्ट स्टार्टिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अबाउट आरबीआई अबाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अबाउट रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया आपको लगेगा यार मेजोरिटी तो मुझे ऑलरेडी आता है मैंने पढ़ लिया मुझे सब कुछ आता है ये तो है ना सो इल बी अ रिविजन फॉर यू चाहे आप कोर्स से पढ़ो चाहे आप बुक से पढ़ो आफ्टर दैट इज टू बी अ रिविजन फॉर यू है ना अमेजिंग यू नो स्ट्रैटी फॉर यू जिससे कि आप बहुत आसानी से बहुत मजे मजे में एग्जाम को क्लियर कर सकते हो एंड यू कैन हैव फन वाइल स्टार्टिंग फॉर द एग्जाम ठीक है तो ये आपको करना है दिस इज वॉट यू हैव टू डू आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने आर का सिलेबस उठा के की है बट स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर सेबी स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड और एनी अदर एग्जामिनेशन फॉर दैट मैटर आर आट बी हेल्प्ड बाई दिस अपना सिलेबस उठाइए यूज इट यू के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है यूपीएससी पी पे पिकिंग अप दू पी सिलेबस एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटी हैज़ टू बी फॉलोड Okay, if you have any questions, any doubts, if you want to tell me something, want to ask something, you can mention it in the comment section below. If you like the video, do not forget to subscribe to the channel and like the video as well. Okay, all the best, guys. Take care. Bye bye.